तो शुरुआत करने से पहले मैं इतना बता दूं कि शायर की दुनिया में मैंने बस अभी अभी कदम रखा है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जहन की बात पन्नों तक और पन्नों की ज़ुबान तक आ जाती है। ठीक है, तो लिखी है थोड़ी बहुत, पेश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो दो तीन शेर और चार पांच गज़ल से पहले पेश करता हूँ कि बिंदी लगा चूड़िया डाल श्रृंगार कर जब वो निकलती है, कि बिंदी लगा चूड़िया डाल श्रृंगार कर जब वो निकलती है, क्या बताएं कैसे बताएं कितनों की जान निकलती है। सुनिए कि बिंदी लगा चूड़िया डाल श्रृंगार कर जब वो निकलती है, क्या बताएं कैसे बताएं कितनों की जान निकलती है। तुम ना आना इश्क के दायरे में मियाँ, तुम ना आना इश्क के दायरे में मियाँ, ये नसीहत है हर किसी को मिलती है। इसी के जैसा एक और है, सुनिएगा कि कितनों की जान निकलती होगी जब वो घर से निकलती होगी, कितनों की जान निकलती होगी जब वो घर से निकलती होगी, और उसका रूप कुछ इस कदर होगा जैसे तवे पे रोटी बनती होगी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तालियां तुम बजा किसके लिए रहे हो, मेरे लिए बजा रहे हो या उसके लिए बजा रहे हो। अगर सुनो 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 सुनो, अगर उसके लिए बजा रहे हो तो शोर जरा खामोशी से करना, उसे खामोशी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक ना छोटी सी कन्वर्सेशन है, बजाओ मतलब कि शोर करो लेकिन खामोशी से, ठीक है। तो एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, ठीक है, उसको मैंने कविता में पिरोया है। पहली बात तो क्या है कि उम्मीद करता हूँ कि जो मैं मुक्तक पढ़ूंगा ना, उसके बाद की मुक्तक आप खुद पढ़ें, आपको खुद समझ आ जाएगा अगली मुक्तक है क्या। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा, नहीं लगे तो और तेज बजाइएगा, क्योंकि साथ वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम फुद्दू बैठे हो। तुम्हें समझ आ रहा है? तो सुनिएगा कि आशिक तुम्हारा पराया नहीं पुराना है, आशिक तुम्हारा पराया नहीं पुराना है, धीरे धीरे तेरे दिल को ये समझाना है। आशिक तुम्हारा पराया नहीं पुराना है, धीरे धीरे तेरे दिल को ये समझाना है मुमकिन कि आकर सिमट जाए फिर तू बाहों में मेरी। कुछ लोग फंस गए होंगे बाहों में, वापसी आ जाइए। सुनिएगा कि है मुमकिन आशिक तुम्हारा पराया नहीं पुराना है, धीरे धीरे तेरे दिल को ये समझाना है मुमकिन कि आकर सिमट जाए फिर तू बाहों में मेरी, कुछ ऐसा करतब दिखाना है। आशिक तुम्हारा पराया नहीं पुराना है। सुनेगा? अच्छा, उसके बाद लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है कि एक रोज़ तू वक्त निकाल आ घर मेरे और बात कर मेरे पेरेंट्स से, एक रोज़ तू वक्त निकाल आ घर मेरे और बात कर मेरे पेरेंट्स से, फिर ले चलियो जहाँ ले जाना है। आशिक तुम्हारा पराया नहीं पुराना है। और उसके बाद कहता है कि अगर तेरे उसके बाद कहता है तेरे घर के मान गए तो ठीक, नहीं तो, लड़की कहती है नहीं तो क्या, कहता नहीं तो सुन, एक रोज़ उठाकर ले जाऊंगा तुझे तेरी ही राह से, एक रोज़ उठाकर ले जाऊंगा तुझे तेरी ही राह से, फिर बुला लियो जिसे बुलाना है। आशिक तुम्हारा पराया नहीं पुराना है।